फ्यूचर सोचते कि किसी कंपनी में जॉब करेंगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के डिपार्टमेंट में लग जाएंगे, वहाँ से बायर की इन्फॉर्मेशन लेंगे और उनको अपने गुड्स बेचेंगे। तो ये बहुत स्टूपिड बात है, मैंने इसे सुना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने इसे सुना हुआ है ये चीज़ें। आप अगर जॉब भी करना चाहते हो ना, तो देखिए पहले आपका एजुकेशन मैटर्स, कि आप ग्रेजुएट हो, आप मास्टर डिग्री कर चुके हो, या आपका प्लस टू है, कोई भी है। देखो अनपढ़ कर लोग भी यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप समझना, अगर आप जॉब में जाते हो तो यूजुअली कंपनी क्या करती है आपको कि एक डिपार्टमेंट में डालती थी, सपोज करो आपको डॉक्यूमेंट्स में डाल दिया, तो आप डॉक्यूमेंट्स का कितना सीखोगे? और आज के डेट में टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 10 से 15,000 के आसपास की सैलरी मिलती है। ये इंडस्ट्री का रेट है डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि एक लेवल पे आप डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स बना के आपको एंट्री करनी होती है। आप कितना 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस लगा लो, आप क्या लेवल पे जाओगे डॉक्यूमेंटेशन के? वो सारा काम तो CHA कर देता है उसी फीस में, कोटेशन में जो आपको देता है। सो इस पॉइंट पे ध्यान रखना कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में नहीं अटकना, और जब जितनी बड़ी कंपनी में जाओगे ना आपको उतना एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मिलेगा। अभी आप बोलोगे कि मुझे किस फील्ड में जॉब करना है, देखिए सबसे बेस्ट है आप एक्सपोर्ट मार्केटिंग में, एक्सपोर्ट कोऑर्डिनेटर हो गया, एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है, फोकस कर रहा कि जहाँ पे मार्केटिंग एंड सेल्स का काम हो, क्योंकि वहाँ पे आपको एक जगह पे नहीं बैठना पड़ता है। हाँ आप ऑफिस नए हो तो आपको कॉल्स करना है, कोल्ड कॉल्स होते हैं आपकी, मेल्स करना होता है, बट आप जब एक्सपीरियंस दिखाते हो ना अपना, देन यू हैव टू ट्रैवल इन फॉरेन कंट्री, है ना, पर ट्रेड शोज हो गया, ये हो गया, तो आप नए नए लोगों से मिलते हो, आप एक्सप्लोर करते हो। अगर आप ऐसे होते ना ट्रैवलिंग, यू जस्ट लव ट्रैवल्स, यू जस्ट लव टू हैव अ वर्ड विद न्यू पीपल एंड एवरीथिंग, तो आप ऐसे लोग प्रेफर करो कि हाँ भाई मैं जॉब करूँगा तो इस फील्ड में, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग वगैरह इस फील्ड में वो करो। देखिए एक्सपीरियंस तो बिजनेस कैसा है कि आप समझना, लर्निंग ऐसी चीज़ है कि आप जिंदगी भर भी सीखोगे उतना कम है, बट आप थोड़ा एक्सपीरियंस लेके कि कैसे, क्योंकि खुद के लॉस अगर डायरेक्ट एंटर करोगे और आपका एकदम से लॉस हो गया, आप जिंदगी में बिजनेस नहीं कर पाओगे। बट डजंट मीन कि आप किसी कंपनी में जॉब करके आप लॉसेस करवा, बट आई डू रिकमेंड कि आपको बिजनेस करना चाहिए, बट बिजनेस करने से पहले आप थोड़ा सा सीखो और खुद स्टडी पे टाइम लगाओ कि कितना टाइम आप दे सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, सी इट्स नॉट अबाउट प्लान बी, प्लान बी होना ही नहीं चाहिए बिजनेस में, क्योंकि अगर आपके पास प्लान बी हुआ ना तो आप प्लान ए को सक्सेस कर ही नहीं सकते, बिकॉज यू नो कि मेरे को बी का ऑप्शन है मेरे पास। ऐसा मत करना, 100% आना है तो 100% आओ, क्योंकि बिजनेस में जब आप एंटर करोगे आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो लगती है, थोड़ा सा नॉमिनल सा। हाँ अगर आप बोलते कि नहीं मैं पहले एक्सपीरियंस लूँगा, विच इज़ अ गुड थिंग, बट एक्सपीरियंस भी ऐसा मत लेना कि हाँ भाई एक कहीं पे एक डिपार्टमेंट में अटक के रह जाओगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो रेडी आपके साथ नॉलेज शेयर करें कि लॉजिस्टिक कैसे काम करता है, सेल्स का काम कैसे होता है, मार्केटिंग का काम कैसे होता है, ठीक है ना, तो परचेज डिपार्टमेंट काम कैसे होता है, तो इन चीज़ों के ऊपर की नॉलेज लेके आप एंटर करो। और अगर बिजनेस में डायरेक्ट करते तो 100% दो तो सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है आपको, बट फोकस करना एक्सपोर्ट में ही रहना। एंड कुछ भी समझ नहीं आता तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन है, कॉल कर सकते हो मुझे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेनिंग ले सकते हो, मेरा 1-2 सेशन ज़्यादा चलते हैं। एंड थैंक्स फॉर गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइज, थैंक यू सो मच।